एसएनजी विद्या भवन सेक्टर 4 में नवरात्रि के अवसर पर 2 दिवसीय गरबा नाइट सीजन 2 आयोजित किया जा रहा है। गरबा नाइट सीजन 2 का आयोजन 6 एवं 7 अक्टूबर को संध्या 5:30 बजे से रात 8 बजे तक किया जाएगा। इस आयोजन में अपनी प्रतिभा को सबसे प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रतिभागी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एसीएन न्यूज की टीम एसएनजी विद्या भवन सेक्टर 4 पहुंचकर गरबा नाइट सीजन 2 को लेकर अपनी तैयारी कर रहे प्रतिभागियों से मिलकर उनसे आयोजन और तैयारियों को लेकर बातचीत की। शारदीय नवरात्र के अवसर पर एसएनजी प्रांगण में भव्यता से गरबे नाइट का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि एसएनजी विद्या भवन के प्रांगण में नवरात्र पर आगामी 6 व 7 सितंबर को रास गरबे का भव्य आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही दक्षिण भारतीय केरल का व्यंजन भी यहां पर आकर्षण का केंद्र होगा। गरबा नाइट को लेकर के यहां पर प्रशिक्षण देने के लिए अनिला राजन उपस्थित है। अनिला राजन DID सुपर मॉम की टॉप 4 फाइनलिस्ट रह चुकी है। यहाँ पर प्रतिभागियों को बेहतर प्रशिक्षण वो गरबे का देती नजर आ रही है। गरबा नाइट में प्रतिभागी रहे प्रतिभागियों ने आयोजन को लेकर काफी उत्सुकता दिखाई। मैंने लास्ट ईयर भी किया था, बहुत एंजॉय किया था, बहुत मजा आया था और बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल लगते हैं, फूड के भी हैं, केरला फूड के भी हैं। सबसे अच्छी खासियत इस चीज़ की ये है कि यहाँ पे ओनली लेडीज़ का होता है। अच्छा, मतलब सिर्फ महिलाओं का? सिर्फ महिलाओं के लिए बहुत अच्छे से व्यवस्था की जाती है और बहुत अच्छे से। शहरवासियों से क्या अपील करेंगी? शहरवासियों से ये कहेंगे कि सभी को आइए, यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, बहुत अच्छा लगेगा, आप आएंगे तो। और बहुत सारे स्टॉल लगते हैं, उसका भी इंजॉय कीजिए। एसएनजी स्कूल में जो प्रोग्राम होने जा रहा है 6 और 7 को डांडे और गरबा का, उसके लिए हम लोगों को अनिला मैडम के द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं और डेली प्रैक्टिस में आ रहे हैं। जैसे अभी और नए लोग जो शामिल होना चाहते हैं, क्या वो हो सकते हैं इसमें? हाँ बिल्कुल, ये ओपन रजिस्ट्रेशन है, अभी भी टाइम है, आप सभी जल्द से जल्द हमसे कॉन्टेक्ट करें और रजिस्टर करें अपने आप को। यहाँ पे पिछले साल भी गरबा हुई थी, बहुत अच्छा मुझे लगा। जैसे ये दूसरा वर्ष है जी, पहला वर्ष अच्छा सफल रहा? सफल रहा, ये दूसरा वर्ष है और मेरे अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे के साथ साथ मदद लोग भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और मुझे क्या यहाँ आई थिंक सभी को अच्छा लगता है। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि गरबा बहुत अच्छा रहता है, तो सभी मम्मी लोग और बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो सभी को अच्छा लगता है गरबा में, तो जितने लोग चाहें सब लोग आते हैं और जो चाहें वो आ भी सकते हैं। वहीं आयोजनकर्ता ने भी इस तरह की जानकारी मीडिया को दी। श्री नारायण गुरु विद्या भवन के द्वारा किया जा रहा है और पिछले साल हमने इसको स्टार्ट किया था, यह हमारा सेकंड सेशन चालू हुआ इस बार का द्वितीय वर्ष है। और उद्देश्य हमारा है कि शहर के आसपास के लोग हमारे प्रांगण पर आए और माता रानी का आशीर्वाद लें और गरबे का आनंद लें, क्योंकि विशेषकर हम लोग ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही आयोजन किया गया, जो कि भिलाई दुर्ग में बहुत कम जगह में ऐसा आयोजन होता है, तो सिर्फ महिलाओं के उनकी सुरक्षा उनकी दृष्टि से सब चीज़ का आयोजन किया जा रहा है। कितने पार्टिसिपेट हैं, कितने लोग कर रहे होंगे? अभी लगभग 250 के आसपास का रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिनका हमारे जो कोरियोग्राफर है अनिला राजन मैडम, उनके द्वारा उनको रोज प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसी विद्यालय प्रांगण पर। जो पार्टिसिपेट हैं उनको किसी तरह के प्राइजेस हैं? जी, हम लोग का पिछले साल भी हमने किया था बेस्ट क्वीन, डांस क्वीन का, और ग्रुप डांस में जो सबसे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 प्राइस रहेगा, और बेस्ट कॉस्ट्यूम का रखे हैं। इसके अलावा हमारे जो विभिन्न टाइप के स्टॉल लगे हैं, उस स्टॉल में सबसे ज़्यादा सेलर जो रहेगा उनके लिए अवार्ड है, और सबसे अच्छा नीट एंड क्लीन रखे हैं, उनके जजेस भी अलग हम लोग नियुक्त किए गए हैं, उनको भी हम स्टॉल भी उनको भी हम दे रहे हैं उनको भी। हमारा मेन उद्देश्य है कि इस वर्ष हम लोग हर वर्ष की पिछले वर्ष पहला साल था, इस वर्ष हम लोग नया चीज़ चालू किया, केरला फूड फेस्टिवल करके चालू किए हैं, जिसमें केरल के पारंपरिक व्यंजन का लुत्फ उठाया जाएगा जो आएंगे हमारे यहाँ दर्शक लोग, और उसके अलावा और भी स्टॉल हैं और ये सबका भी हम लोग, यानी जो भी इस कार्यक्रम में आएंगे
वह सभी तरीके का आनंद यहाँ पर लेकर जाएंगे। इस दो दिवसीय गरबा नाइट के आयोजन में सिर्फ महिलाओं को ही भाग लेने की अनुमति है। महिलाओं को समर्पित ये दो दिवसीय रास गरबे का आयोजन भव्यता से कराया जाएगा। स्कूल प्रांगण में दक्षिण भारतीय व्यंजन भी आकर्षण का केंद्र होंगे। शहरवासियों से बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेने की अपील की गई है। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।